संसार में जो कुछ हो रहा है, कोई मुकुट बन गए परमात्मा जी का, कोई नुपुर बन गए परमात्मा जी का, कोई बन गए हार परमात्मा जी का, आप सब एक ब्रह्म रूप सोने के दिखला का हरेक प्रकार के अलंकार है। आप सोच लीजिए, ध्यान का गहराई में उतर जाइए, चुपचाप बैठ के आत्मा समीक्षा कर लीजिए, ऐसी परीक्षा होती है, बस आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। भगवान जी ने तो भेजा है संसार में, सारा चीज भगवान जी का है। जब आप प्रेम से पाठ करते हैं तमेव माता, हे प्रभु आप मेरे माता हैं, तो आपने कभी सोचा मेरे घर में जो माता है वो मेरे प्रभु हैं? तमेव माता च पिता तमेव, घर में पिताजी मेरे प्रभु ही हैं। तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणाम तमेव, तमेव सर्वं। द्रविण मतलब क्या है? धन। धन का मतलब क्या है? केवल पैसा ही है, बुद्धि भी धन है, भक्ति भी धन है, श्रद्धा भी धन है, विवेक भी धन है, फिर पैसा भी धन है, आपका शक्ति ये भी धन है, आपका हजम करने का पावर जो है, शक्ति सामर्थ्य है। कोई दो रोटी खा लेता है, एक गांव के नाम है जिघारिया, उसमें धनवान व्यक्ति थे जिनके पास 250 एकड़ जमीन था, दो दो शादी किया था, संतान नहीं था उसके पास, लेकिन उसमें उसने अपने बाबा जी के पास गया, बाबा जी के पास कहता, बाबा जी मैं क्या करूं, मेरे पास 250 एकड़ जमीन है, खाने के लिए कोई नहीं है, मैं खुद भी लाख रोटी नहीं पचा सकता हूं, तो कैसे गरीब है देखिए। 250 एकड़ जमीन होते हुए भी उनके पास कितना गरीबी है, दो रोटी ही पचा सकता है, लेकिन जो दिन भर का रिक्शा चलाता है, टैक्सी चलाता है, मेहनत करता है, पत्थर फोड़ता है, 10-20 रोटी दे दो, कटोरी भर के दाल दे दो, पचा लिया, इससे बढ़कर धनवान कौन हो सकता है? ये भी द्रविणम तमेव, भगवान कहते हैं ये भी मैं द्रविण रूप हूं, तमेव सर्वम मम देवदेव, हे प्रभु मेरे देवों के देव आप ही हैं। देवों के देव कहां रहते हैं? हरिद्वार में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, वहां पर तो है, वहां परमात्मा जी का विनती है, लेकिन आपके भीतर रहते हैं, आपके भीतर कहां रहने की जगह है? ये प्रभु आप कहीं रहते हैं? मैं ढूंढ ढूंढ के पक्कल बन गया, लेकिन आप दर्शन नहीं दिया, कहां रहते हो? वृंदावन गया, गोपियों के घर घर ढूंढा, गंगा जी में गया, नहाया नहाया, साधु संग किया, फिर पहाड़ी में एक झोपड़ी बनाया, वहां पर रहने लगा, आपका भजन किया, लेकिन आपने तो कृपा नहीं किया, कहां रहते हो? श्री भगवान जी कहते मैं तो तेरे पास ही रहता हूं, तू पहचानता नहीं है, पहचानता नहीं है, पहचानने की क्या चाहिए? पहचानने के लिए आपके पास श्री गीता जी भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन मुझे पहचानने के लिए एक सामर्थ्य चाहिए, न तुम सक से दृष्टु मन नहीं बस जग दिव्यम ददापिते चक्षु, पश्चमे युगमईश्वरम, मैं तुझको एक दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, उसी चक्षु के सहारे देख ले, देखिए ना आप कैसे भगवान जी के पास बैठे हैं,
कह रहे हैं प्रवास में शशि सुर जयो। सूर्य नारायण के जो प्रभाव है वही मैं ही हूँ। आप जब सर्दी के सर्दी में ठुकरते हुए धूप में आ गए, बैठ गए, सूर्य भगवान की तरफ पीठ करके अपनी पीठ को सेकने लगे, सूर्य भगवान की तापसी। लेकिन ये सोच लीजिए ना, क्या सोच, हे प्रभु मैं आपसे ठेसा हुआ, आपके मैं ठेर मन श्रद्धा के बैठा हुआ, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, इस प्रकार मैं परमात्मा जी के साथ सटा के बैठा हूं। मेरे भीतर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, परमात्मा जी का कैसी करुणा है, समझ लो, सोच लो, पहचान लो। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्तेन प्रवेश तपो। पहले जाना, कहाँ जाना है, सत्संग में जाना है, गुरु जी के पास जाना है, सद्व्यक्ति के पास जाना है, सुन लो, ज्ञान तो फिर देख लो सही कहा। एक चंडाल था, उसने समय आम पकाने का विद्या सीखा था, बगैर समय के आम पका लेना, आम हो जाना, इस विद्या का वो पारंगत था। एक पंडित जी को पता हुआ, पंडित जी उनके पास गए, विनय से कहे, हे दादाजी, आपको जो विद्या मालूम है, आप जिस विद्या में पारंगत है उसी विद्या का मुझे थोड़ा सा आभास दे दीजिए, मैं भी कृतार्थ हो जाऊं। लेकिन भैया मैं तो चमार हूं, ध्यान रखना तुम ब्राह्मण बालक हो, तीन वर्ण के राजा होते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण के गुरु होते हैं सन्यासी। सोच लेना मैं चंडाल हूं, कोई बात नहीं, मुझे तो विद्या से जरूरत है। जात न पूछी साधु की, पूछी उसकी ज्ञान, धार देखिए तलवार की, मत देखो मियां कबीरा, मत देखो मियां। साधु का जात पूछ के क्या करोगे, जात न पूछिए साधु की, पूछिए उनकी ज्ञान, धार देखिए तलवार की। तलवार से मतलब है, धार से मतलब है, म्यान से मेरा काम क्या काम है, भले ही हीरा मती म्यान से जड़ी हुई हो, क्या काम का, मत देखो म्यान। और चंडाल ने उसको विद्या सिखाने लगे, सिखाया सिखाया हो गया, विद्या में पास कर गया, ब्राह्मण बालक सीख लिया, देख ले घर चला जा। लेकिन हाँ ऐसा, अगर कोई पूछे तुम्हारा गुरुजी कहाँ के हैं, तुमने गोपन कर लिया तो विद्या चौपट हो जाएगा, सच सच बताना। विद्या का सत्ता होता है सच से, सतता से, सत परमात्मा का स्वरूप है, सत से संसार टिका हुआ है। अब वो तो गया ब्राह्मण बालक के, सवेरे एक दिन बैठा था, मन में आया हमारे पिताजी हैं, हमारे माता जी हैं, हमारे भैया लोग हैं, सभी को थोड़ा सा समझा दूं, मैं विद्या सीख के आया। मंत्र पढ़ा, सामने बड़ा भारी हरी भरी आम का झाड़ था, मंत्र पढ़ के जल को छिड़का, जल छिड़का, समय तो नहीं था, उसमें फूल आ गया, आम का फूल, देखते देखते फल लग गया, पक गया, जमीन पर गिर गया, उसको उठा लिया, अरे राम राम वासुदेवाय हो,
घर वाले ने दौड़ के आ गए, क्या हो गया भैया, पागल हो गया क्या, नाच रहे हो, देखिए तो सामने पका हुआ आम पड़ा हुआ था, उसको उठा लिया। उठा के सभी ने कहने लगे, ये असमय आम कैसे आ गया? अरे यही विद्या तो सीखने के लिए मैं गया था, कहां अब चुप कर गया, बोल तो कहां चुप कर गया। सभी ने पीछे पड़ गए, अब तो बोल, अब तो बोल, तो बोल दिया। जब बोल दिया, मैं चमासे से क्या आया, ये नहीं बोला, ये बोला नहीं, छिपा लिया, गोपन कर लिया। जब गोपन कर लिया तो उसका विद्या जो था चोर हो गया। गुरुजी ने बताया था मेरा सत्य है, परक्त कर लिया विद्या सही है, लेकिन जब गोपन किया चौपट हो गया। इस प्रकार हमारे परमात्मा जी ने जो विद्या दी हुई है, इस विद्या को परखो, गुरुजी से मिल गया विद्या, अनुभव करो, अनुभव करने का जगह मेरे हृदय है। मंत्रार्थम हमारे जो आचार्य लोगों ने कहते हैं, मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम योनि मुद्रा न वेत्ति जो सत कोटि जपे नापि तस विद्या न सिद्ध्यति। उनकी विद्या का सिद्धि लाभ नहीं होता है तब तक जब तक मंत्र अर्थ मंत्र का अनुभव हृदय में न हो। जैसे आपने जबारा भर दिया, देख रेख नहीं किया, पानी नहीं दिया, परसों दिन रात को हमारे पलारी बाबा ने रात 10 बजे बाबा जी को दौड़ाया, चल चल चलो चलो, अरे जबारा में कंबल ढकना है, नहीं दोगे गाड़ी, तरीका मालूम है उनको, हिमालय में रहते हैं, तो जब उसके ऊपर कंबल ढाक दिया गया बस जबारा निकल आया। इस प्रकार परखा के देख लो तो वही है आपका साधना। लेकिन हाँ, आपने गोपन किया तो वो चौपट हो जाता है। लेकिन हाँ, ये भी एक बात है, साधना का चीज बाहर के जगत देख ले, जैसे गोपी किसको कहते हैं, गोपयती यस गोपी रातो रात रस गिला हो गया, रातो रात किसी को पता नहीं है, गांव वालों को पता नहीं है, अपनी पोती देव सोए हुए थे, अपने ससुर सोए हुए थे, गोपी गोपी जी ने रात को आ गए अपने घर में, बस अपने काम काज संभालने लगे, किसी को उन्हें नहीं बताया। बाहर का चीज बताया जाता है, लेकिन भीतर का साधना किसी को बताने का चीज नहीं है। छिपा के रखना रखा जाएगा, उतना ही फलदायी होता है।